वो देखो, ये देखिए सामने, रुक जा मैं एक्सपोजर बढ़ाता हूँ। हाथी नहीं है। हाथी है, हाथी है, तस्कर है, तस्कर है, मैं कह रहा हूँ। बार्किंग डियर की कॉल। हाँ कौन सी साइड है दोस्तों? यहाँ से आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड से। आगे चलो, रिस्क खाई वाले इलाके में है, रिस्क क्योंकि गाड़ी तो आने वाली है नहीं अभी। एक बार चेक करके आते हैं। अच्छा, करके आते हैं। जो गाड़ी की लाइट है वो नीचे कर लेना। अच्छा, पहले बता दूं, हल्के हल्के हल्के, बहुत हल्के, बहुत हल्के। आगे हाथी है, बहुत पार्ट कोर्ट से पीछा कर रहे हैं आपको बताने के लिए। पूरा झुंडे भांगा जाला में आगे। हम तो तभी तो गाड़ी बैक करके सोने के लिए चले गए ऊपर। हाथी 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 पूरा झुंडा, टस्कर बहुत खतरनाक। मतलब दोस्तों रुका था आपके लिए, आप बहुत देर के मोड़ पे, हम बहुत देर से बहुत तेज स्पीड चला रहे हो आप गाड़ी। आपने बैंड काटा वहाँ से पीछे से आ रहे थे हम, बहुत तेज चला रहे हैं आप। हाँ देख, आप देख लो, ठीक है ठीक है भैया, पीछे चलेंगे। तो दोस्तों ये देखिए सिचुएशन, देखिए धीरे धीरे, थोड़ा गैप रखना, थोड़ा गैप रखना दोस्तों। आग लगा लगा के देखिए प्रोसेस ये करा है। अब देखते हैं हाथी कहाँ तक आएगा। लेफ्ट में पहले से जुड़े हैं उन सबको पता है, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं ये बात उन लोगों के लिए है। और इस रास्ते, इस जिम कॉर्बेट को हम तो काफी टाइम से जानते हैं, और इस जगह पे काफी हाथी मिल गया दोस्तों। हाथी मिल गया दोस्तों। मिल गया है, क्या करें? रुक जाओ रुक जाओ, मोड़ पे बैंड पे गया अंदर दोस्तों। देख लूं, बाप रे दोस्तों ये है कॉरिडोर, यहाँ से गया हाथी। ये होता है बहुत चलाक, मेरे दिल की धड़कन। बाप रे दोस्तों ऐसी हार्ट, ओ माय गॉड। देखते रहो शीशा बंद, रखो शीशा हल्का सा बंद। और दोस्तों और धड़कन बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा, मेरी बहुत तेज बढ़ी है। बाप रे मेरी भी। काम डाउन कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स, फोकस रखना है। अब दोस्तों ये देखिए प्रैक्टिकल, देखो क्या करना है। हाँ, क्योंकि हम हाथी को देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो लाइट मारो, हमने लाइट मार रखी है। हाँ, और अपनी साइड पे लेना है, उसी हिसाब से मोड़ना है। ठीक है ठीक है, यहाँ पे एक भी यहाँ पे मौका कर सकता हूँ। अभी उतर के गया बिल्कुल यहीं से, यहीं से गया। बहुत बड़ा हाथी है, हमें गाड़ी बैक रखनी है और लेफ्ट हैंड देखना है, क्योंकि ये बहुत चलाक होता है। वो जंगल से ऐसे घूम के आता है और मॉक चार्ज कर सकता है। इधर से कोई हाथी आएगा, आएगा तो यहाँ को मारते हुए। मैं कह रहा था इधर को देखना है, और तेरे को इतने में हाथी दिख गया। मैं कह रहा था ओ माय गॉड, वहाँ कौन मार, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, को सही है। बहुत बड़ा हाथी है। नहीं नहीं लेफ्ट हैंड राइट हैंड देखो, पहले राइट हैंड में देख रहा हूँ। फ्लैश ऐसे मत मारो, गलती से हो गया, क्या करा जाए बताओ। रुक जाओ, आगे से निकला तो आपको लगेगा कि सामने से आएगा, सामने से नहीं आएगा, बहुत चालू होता है वो, उसको पता है कि कोई चीज आ रही है, वो सीधे घूम के पीछे से आएगा। बहुत ज्यादा चलाक है ऐसी सिचुएशन। और ये सिचुएशन हमारे साथ गलत है कि लेफ्ट साइड में हमारे ऊंची झाड़ियां हैं, थोड़ा दिखने में दिक्कत है, इसलिए मुझे फ्लैश लाइट लगातार माननी है। और कंफर्म जरूर कर ले कि सीधे हाथ पर और हाथी तो नहीं है, जो कि हमने कर चुके हैं। और ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि इक्कड़ हाथी है। अब करना पड़ेगा वेट। हम कह रहे थे कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो दोस्तों पीछे चलेंगे फिर। तो बैंड करके पीछे चले, बैंड काफी है क्योंकि सीधा भगा नहीं सकते हाथी को। हाथी है, बैक कर, बैक कर, कहाँ हाथी सामने है। करना पड़ेगा वेट। हम कह रहे थे कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो दोस्तों पीछे चलेंगे फिर। तो बैंड करके पीछे चले, बैंड काफी है क्योंकि सीधा भगा नहीं सकते हाथी को। हाथी है, बैक कर, बैक कर, कहाँ हाथी सामने है। वो देखो, ये देखिए सामने, रुक जा मैं एक्सपोजर बढ़ाता हूँ। हाथी नहीं है। हाथी है, हाथी है, टस्कर है, टस्कर है, मैं कह रहा हूँ। चुपचाप रहे, टस्कर ही आ रहा है। अबे चले, गाड़ी बिल्कुल सीधी रखना, घुमा लेता हूँ भाई। दोस्तों देखिए टस्कर है यहाँ पे, ये देखिए सामने ये खड़ा है, राइट हैंड साइड बोर्ड साइड। मुझे तो कंप्लेंट करो कुछ, क्या है सीन दोस्तों? ये हाथियों को निकलने का टाइम हो चुका है। बाप ऐसी रख, ऐसी रख, ऐसी रख, चले गाड़ी बिल्कुल सीधी रखना, घुमा लेता हूँ भाई। दोस्तों देखिए टस्कर है यहाँ पे, ये देखिए सामने ये खड़ा है, राइट हैंड साइड बोर्ड साइड। मुझे तो कंप्लेंट करो कुछ, पीछे देख क्या है सीन
दोस्तों ये हाथियों को निकलने का टाइम हो चुका है। बाबा बाबा ऐसी रख नहीं, घूमना मैं घुमाना भी था, गाड़ी घुमाना है वही कह रहा हूँ मैं। हाँ, तो घुमा लो बोल। ओ माय गॉड कितना बड़ा है, पूरा घुमा दूँ, घुमा चल 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 सीधा रोक। दोस्तों ऐसे में हमें बस गाड़ी घुमा कर कर लेनी है खड़ी, आवाज नहीं, चल पीछे चल, बाबरे आराम से रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दूर है दोस्तों हमसे, फ्लैश हल्की वाली, हल्की फ्लैश रख, देख रहा मेरे को दिख गया आते हुए यार। एक और दोस्तों टस्कर है, बहुत बड़े दांत है इसके। ओ माई गॉड, तो निकलने अब देखो दोस्तों जो हमने प्रोसेस करा है, हम सोच रहे थे कि एक हाथी है पहले बैंड पे चेक कर ले कहीं गिर जाए हम। दोस्तों ऐसे में घिरने की आशंका ज्यादा होती है क्योंकि दो देख चुके हैं। अब जो है आगे चलना है, पहले आगे चलना है, पहले आगे निकल है ना। अबे यार कितना बड़ा है, देखा तूने? मैं दिखाई नहीं, अब देखा? तूने देखा? हाँ देख लिया मैंने, मैंने मैंने टॉर्च मार सी। मैं तुमसे क्या कह रहा था कि वो अगर अकेला है तो ठीक है, ग्रुप है तो बहुत भारी है। और दोस्तों जो हाथी मिले हैं ना ये, ओ माय गॉड बहुत बड़े हाथी है यार, जैसे हमने पवनगढ़ में देखा था उससे बड़ा है, बहुत बहुत तगड़ा है यार, बस बहुत तगड़ा हाथी है। और दोस्तों हमने गाड़ी वापस भगा ली है, अब देखो पता नहीं कब होता है जाना। अब हम गए फंस दो तरफ, क्या हो गया भाई। और यहाँ पे हमें रखून भी मिल चुका है पिछली बार, बस इतनी दूर पे हो जाएगा, हो जाएगा। मैं यहाँ से आगे यार कहीं बैंड देख लेते हैं, चौड़ी जगह देखना चाहिए मुझे, चौड़ी जगह यहाँ बैंड कर जाएगा, चौड़ी जगह देख लो थोड़ी। ये सही है जगह यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नीचे से हाथी तो आएगा नहीं ना, यहाँ से नहीं आ पाएगा, लेकिन रास्ता बहुत ज्यादा चढ़ाई का है। तो अबे वो आया कैसे भाई साहब पीछे, यहाँ कहाँ से आया यार? सुनो क्या करें, बैंड गाड़ी रख ले, ऐसी रखें गाड़ी का ऊपर को, अभी ऊपर को रखो, अभी गाड़ी का ऊपर को रखो, फ्लैश लाइट है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे फ्लैश लाइट दीजिए भाई, बहुत बड़े वाले हैं, बहुत बड़े थे। अच्छा एक चीज देखा, हमने पीछे की गाड़ी धोई इसीलिए, इसीलिए धोई थी भाई, मैं दिखी नहीं रहा था, मैंने बाद दिखा, तुझे नहीं दिखा ना, बाद दिखा मैंने, जब घुमाई नहीं गाड़ी को, दिख गया। ये क्यों नहीं बोला कि सीधे हाथ पे, मैं बता तो रहा हूँ कहाँ रखा था। अबे मैंने कहा सामने है बोर्ड के पास, बताया तो है क्या चीज, ये बताते ना कि वहाँ पे। अच्छा हल्के में मत लेना, बहुत स्पीड से आते हैं। तेरे सामने आया, देख दो कदम रखे, एकदम धड़ से निकल के आया, मैं पीछे देखता रहूंगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ के देखते हैं कि आगे से तो कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर यहाँ आ गया क्या मैंने, ये भी तगड़ा एरिया है, अब तो पेड़ों पर टूट देखते हैं, टूटे देखते हैं। अरे यार हाथी के मूवमेंट पता लग गए ना, ये ऊपर से नीचे को आए, ये नदी नदी आए। हाँ नदी के तो है पानी जो हमें, दोस्तों हमने दिखाया था आपको पेड़, ये शाम के टाइम का ही पेड़ टूटा हुआ था। और मैं आगे इसलिए जा रहा हूँ वापिस, क्यों, क्योंकि ये भी बैंड है, और जो पीछे भी था वो भी बैंड था। ये देखिए हाथियों, अभी कैसे लकड़ी फाड़ रखी है सब हाथियों ने, इन्होंने सत्य पीटी है भाई, सब हाथियों ने लकड़ी फाड़ रखी है। अरे गजब। तो दोस्तों देख रहे हैं ऐसे ऐसे बैंड है तो पता नहीं चल पा रहा है। और रही बात उसकी यार, पता है ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया है, हमारे भाई को लग रही है सुसु और है जंगल, उतर सकते नहीं है, उतर सकते नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कंट्रोल करना है, ज्यादा कर जाएंगे नहीं, देखते हैं। आप चाहे इसको चैलेंज समझे चाहे कुछ करें, आपको कंट्रोल ही करना है। तो दोस्तों आगे इसलिए मैंने बोला इनको जाने के लिए, क्यों, क्योंकि जिस जगह हम खड़े थे एक साइड थी खाई तो थी, लेकिन आगे जो बैंड था ना वो दिक्कत था, वो दिक्कत बना था। अगर हाथी अगर यहाँ से वापस हमारी तरफ आ जाता तो हम पीछे से भी घिर जाते और आगे से भी, और फिर तो भैया आ गए। था कितना बड़ा वो, तो हम क्या करें, चांस क्या नहीं बताओ, गाड़ी मोड़ के अभी वापसी उधर को दिखाएं, देखें क्या है, चलना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों एक बार देखते हैं, क्योंकि थोड़ी हमने एक दो किलोमीटर पता आधा किलोमीटर तक का आंकड़ा देख लिया है कि कोई दूर दूर तक हाथी नहीं है, तो इतनी जल्दी कोई आने नहीं वाला। अब हम गाड़ी मोड़कर वापस उसी ओर जाएंगे जहां हमें जाना है, लेकिन जहां भी खड़ी थी गाड़ी वहीं पर जाएंगे ताकि हम गाड़ी को बैक कर सकें जल्द, आराम से बैक होगी, सीधी रोड है, ऐसी सिचुएशन में सीधी रोड पकड़े तो बढ़िया रहता है, बैंड में बहुत दिक्कत होती है बैक करने में। यहाँ से काट लेता है, छुड़िया हुआ है, मैं फ्लैशलाइट वो बैटरी यूज दूसरी कर रहा हूँ, पहले चेक कर ले इधर बाहर के ना, भी लाइट मार के चेक कर लगे बगल कहीं, अब यहीं पर निकल लिया, बैंड है ना भी। बार्किंग डियर की कॉल, हाँ दोस्तों बार्किंग डियर की कॉल, चुप 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 चुप,
राइट साइड है दोस्तों, यहाँ से आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से, आगे चलो कम से टाइगर पानी पीने जा रहा है शायद, रोड क्रॉस कर सकता है पीछे से, तो आगे से करेगा पीछे से, हमें गाड़ी मोड़ना चाहिए हुँ? पानी पीना आया होगा, बांगा जा लोगो, हल्की हल्के को मत लेना, खतरनाक जगह है। दोस्तों आपने आवाज सुनी, ये पार्किंग डीलर था, जैसा हमने बताया आपको कि हर किसी की टायर कॉल अलग होती है, ये पार्किंग डीलर की थी, अब उसकी टायर कॉल रुक चुकी है, मे बी या तो टायर वहाँ से हट चुका है या फिर रोड क्रॉस करेगा। की चैन मिल गई, मिल गई, मुझे मिल गई, आगे लाइट में जलाओ, इसको मोड़ वो हो रहा है आगे की पुतली खुल जा रही है अपना का। हाँ अब मोड़ लो, अब मोड़ लो ना बाबा, ये बेनिफिट है कि तुम्हारे पास सीधी रोड है, सीधी रोड है और तुम अब ऊंचाई पे हो, अब पड़ेगी दूर तक लाइट। पता है वहाँ ज्यादा रुकना भी सही क्यों नहीं था, खाई तो थी वही इलाके में मिल जाता उससे भी, कॉल के हिसाब से अगर इस साइड से कोई हाथी पहुंच जाता वहाँ तो तुम घिर जाते भाई साहब, और गाड़ी का रंग है सफेद, सफेद इतना नहीं रात में चल रही। बोल लो उल्टा आ दिया, तो दोस्तों हमने गाड़ी बैक करने का फैसला किया है क्योंकि अभी इतनी देर से पार्किंग डियर की अलार्म कॉल सुनते हुए 8-10 मिनट हो चुके थे, लगातार कॉल करी उसने और फिर वो अचानक शांत हो गया। अब हम जा रहे हैं वापस जहां हाथी मिले थे क्योंकि उससे पहले रुकना है हमें, तो सर फोकस सही बढ़ेगा तो थोड़ा छोटे फ्लैशलाइट बचा के रखना, आप बचा के रखना पड़ेगा क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ सेल रह गए। तो दोस्तों हमारे पास जो बैकअप था, चार्जिंग सेल नहीं, ओनली सेल जो है नॉर्मल वो लगाए हमने एक्स्ट्रा के तौर पर ताकि वो देख सके हम हाथियों को, अब कहीं यूज नहीं करना उसका, आंखें खोल के चलनी है दोनों साइड बस, लेफ्ट एंड राइट, सांसों को थाम लेते हैं दोस्तों, और बहुत ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल होने वाला है, और हम जा रहे हैं वापस जहां से हाथी मिला था, बैंड पर नहीं जाएंगे, सीधे मोड़ पर रखेंगे ताकि दिख जाए हाथी दूर से, इस तरीके से गाड़ी हमने मोड़ ली है। ये है आप सीधी रोड देख रहे हैं, ये सीधी रोड है, ऐसा ना हो कि हम देखने जा रहे हैं हाथी और निकल गया टाइगर, टाइगर कॉल यही हुई थी ना पीछे, हाँ, रह गई पीछे रह गई, हाँ पीछे वो रह गई है तो इधर क्रॉस होगा टाइगर पक्का, और जहाँ पर हम खड़े थे ऑन द वे वहीं से चुराने का वो था उसका इलाका, हाँ हाँ कॉरिडोर है ना वहाँ पे भी, क्योंकि हमेशा तो टाइगर निकलता है और रॉकेट जगह पर निकलता है वहाँ से निकलता है, तिरछी जो है तिरछी जगह ढाल वाली जगह,
तो यहाँ देखना है। ये बैंड, ये आ गया बैंड। अगर हाथी दिख गया तो बस, ये देखिए सीधे हाथ पे सब कॉरिडोर है पूरा। दोस्तों अभी हम ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है, कि हाथी है या नहीं है। भाई साहब सर भारी हो गया। जो हमारा जो मेन रूल है ना, कि जब हाथी दिख जाए बैक आ जाए और आप वेट करें दूसरी गाड़ी का आने का, दूसरी गाड़ी तो वो हमारा फेल हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस जगह पर कोई गाड़ी दूसरी जल्दी आएगी नहीं। हम हैं, कितने बज रहे हैं अभी? 1 बज रहा है दोस्तों। फोकस बदलो ना। फोकस नहीं बदल रहा यार, मैं बैटरी खर्च नहीं कर रहा। अरे तो दोस्तों बज रहा है रात का 1। तो दोस्तों इन्हीं मोड़ों से बहुत दिक्कत होती है, देख रहे हैं आप? थोड़ा सा लेफ्ट में लेके ना, थोड़ा देखना लेफ्ट में उतर के, लेफ्ट में गाड़ी उतार यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से तब देखना, तभी देख पाएगा। देख लो सब टहनियाँ टूटी हुई है। तो ये शाम से यहाँ भटक रहे हैं भाई हाथी जो है। अब सीधे हाथ से लेके देखना, अब सीधे हाथ से लेके देखना। मैं यही तो बता रहा था कि लेफ्ट और राइट से उतारे। नहीं नहीं, ज्यादा कच्चे में नहीं, मैं गाड़ी इसलिए उतारने कह रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये सब लाइट पड़ जाए, तोड़ लगी टहनियाँ, ऐसे बैक करोगे ना तो दिख जाएगा। चलो चलो धीरे धीरे चलो दोस्तों। बस दिल और धड़कन जो है बढ़ चुकी है। सबसे गलत जगह पे मिला है ये, बहुत गंदी जगह पे। सामने होता ना तो दिख जाता है। बाप रे, आ गया ना तो हवा खराब हो जाएगी अगर उसका मुंह हमारी तरफ हुआ। दोस्तों हम वापस इस जगह आ गए हैं। बस इसमें हमारे मेन ये ना फ्लैश कम खर्च होगी। नीचे देखने जरा कोई कोई वो तो नहीं है हाथी। बस यहाँ से यहाँ रुक के देख, अब देखिएगा। चलो फ्लैशलाइट बैकअप खत्म हो चुका, जो बैकअप वाला था वो यूज हो रहा है, तो हम बहुत कम यूज करेंगे। तो दोस्तों इसलिए हमने गाड़ी उल्टी करके, मतलब जहाँ वापसी हमें जाना है वहाँ खड़ी कर दी, ताकि अगर हाथी आता हुआ भी हुआ 70-80 मीटर है और चुटकी बजाते पार कर लेगा वो। पहले अपन तो पार हो जाए, तो बस हमें अपना ध्यान रखना। तुम्हें फ्लैश लाइट देनी है पीछे और लेफ्ट राइट बताना, क्योंकि रास्ता ज्यादा बैंड का भी नहीं है, टर्न भी नहीं है, काम हो जाएगा। हम फिर से दोस्तों वही रिस्क खाई वाले इलाके में हैं। रिस्क क्योंकि गाड़ी तो आने वाली है नहीं अभी, एक बार चेक करके आते हैं। चेक करके आते हैं, इसके दिल में लो गहरी सांस और चलते रहो। अरे बाप रे, चलो पहले यहाँ पे रोकना, ये जो बैंड है ना, मतलब यहाँ से कोशिश करेंगे वहां तक का दिख जाए अगर तो ज्यादा बेस्ट है। वहां दाब देनी गाड़ी। हाँ मतलब यहाँ से ना इस बैंड पे रोकना, ऐसा है कि यहाँ से वहां तक का दिख जाए। एक बार चेक करके आते हैं। चेक करके आते हैं, इसके दिल में लो गहरी सांस और चलते रहो। अरे बाप रे, चलो पहले यहाँ पे रोकना, ये जो बैंड है ना, मतलब यहाँ से कोशिश करेंगे वहां तक का दिख जाए अगर तो ज्यादा बेस्ट है। वहां दाब देनी गाड़ी। हाँ मतलब यहाँ से ना इस बैंड पे रोकना, ऐसा है कि यहाँ से वहां तक का दिख जाए। हम फ्लैश लाइट के थ्रू वहां तक का देख लेंगे। एक मिनट रुको, पहले सामने का देखेंगे और राइट साइड में एक वो देखो। तुम देखो यहाँ, यहाँ से देखो यार, दिख रहा है कुछ? दिखेगा नहीं ना इससे। हाँ बैक कर थोड़ा, दिख रहा है? हाँ हल्का सा बैक कर। दोस्तों हम यहीं से कोशिश करेंगे, ये फ्लैश लाइट से देखेंगे कि कुछ है या नहीं। अभी तो नहीं दिखा। चलो चलो चलो, तो बस दिक्कत ये है कि आगे भी बैंड है, ये देखिए। आगे भी तुम लोग देखते रहना। हाँ मेरे बरो, मैं साइड में फोकस कर रहा हूँ। हाँ साइड में और फोकस, और तुम ऊपर ऊपर ही देखूंगा। रुक जा, मैं हल्की कर, गाड़ी तेज नहीं, तेज थोड़ी चलानी है। मोड़ पर हल्की करो और यहाँ लेफ्ट से काटो, लेफ्ट से, तभी रोशनी पड़ेगी पूरी। हाँ यहाँ पे, हाँ बैंड पे, पहले पहले बैंड पे देख ले रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। हाँ तो उसको अभी बैंड पर तो नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो बैंड है ना अगला, वो बहुत ज्यादा डबल बैंड है, जैसे कि मैं बता रहा था एस शेप में। लेफ्ट में भी कुछ नहीं है। चलो 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 चले, लेफ्ट में भी कुछ नहीं है। अब ऐसा करो, पुलिया पे खड़ो होके यहीं से फ्लैश मार के देखो, लगातार लगातार मत मानना। बैटरी नहीं है ज्यादा, इसलिए पहले बैटरी तो हो जाएगी चार्ज। कोई बात नहीं, पहले ये यहाँ से पार हो जाएंगे। दोस्तों फ्लैश लाइट आगे एडवांस में मार रहे हैं हम, ताकि बैंड पर पता लग जाए, क्योंकि गाड़ी की लाइट एकदम कट करके नहीं पता लग रही है। ये है बैंड सबसे तगड़ा। चलो अब है भारी वाला मामला। तो मैं अब क्या करोगे? राइट में ज्यादा लेके, बहुत ज्यादा राइट में लेके, लेफ्ट साइड में एडवांस। अगर आ गया ना सामने फ्लैश लाइट, जो गाड़ी की लाइट है वो नीचे कर लेना। अच्छा पहले बता दूं, हल्के हल्के हल्के, बहुत हल्के बहुत हल्के। मैं अभी कर लूंगा। नहीं नहीं पता कैसे लगेगा। बैंड पर, बैंड
अभी तो हमने बिल्कुल सही तरीके से खड़ी कर तो ली है, गाड़ी भी हमारी स्टार्ट है, गाड़ी बंद नहीं करनी है सबसे बड़ी बात। लेकिन जिस बैंड पर हमें दिखा है ना दोस्तों, उसका जस्ट अगला ही है, उसका जस्ट अगला बैंड है, बस ऐसे जाके ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। वो तो अभी बैक साइड से तो बच गए, आगे वापस दोबारा रोड में खड़ा हुआ है, दोबारा वापस आ गए, दोबारा आ गए वापस। और मेरी सोच ये है कि इधर से है ढाल, हम तो खड़े ढाल पर है, मतलब उसके लिए ढाल है हाथी के लिए, मॉक चार्ज बहुत ज्यादा खतरनाक कर सकता है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले रहे हैं। और मैं 10 से 15 मिनट रुकेंगे, मेरे ख्याल से तो हमें वापस ऊपर पार्टकोट जाना पड़ेगा दोबारा, रिस्क वहां भी 10 किलोमीटर, क्योंकि रिस्क आगे जंगल है, घना जंगल है, रिस्क वहां पे भी है, क्योंकि हम अभी बीच में फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह से, वहां भी पेड़ गिरा था, वहां भी पेड़ गिरा था, आगे सिचुएशन अभी क्या कह सकते हैं, क्योंकि हाथी का टेरिटरी बहुत है, हाथी होते हैं यहाँ पे बहुत सारे, तो अभी दिक्कत ऊपर भी है, तो मेरे हिसाब से तो ऊपर जाना चाहिए दिख साइड को, पार्टकोट साइड को। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। बिल्कुल, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अब हमारा फैसला ये है कि हम अभी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे आबादी वाले क्षेत्र पे, यहाँ से मैं देखता हूँ ना, यहाँ से जगह मैं देख रहा हूँ। तो दोस्तों हम देखते हुए जा रहे हैं कि कहाँ पर है, अभी वो ऐसे नहीं दिख रहा है क्योंकि बैंड पर है, और बैंड गया यहाँ से दिखेगा भी नहीं क्योंकि इस साइड आ गया, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड रिवर है। तो हमारा फैसला यही है कि हमें वापस पार्टकोट जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर हम यहाँ रुके रह गए। मोर की कॉलिंग हो रही है, आपने अभी देखा ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। अब हम जा रहे हैं वापस जहाँ भी गए थे, फिर से दोबारा वापस जा रहे हैं, मतलब आबादी वाले क्षेत्र में, जी हाँ, जहाँ पर अभी पेड़ टूटा हुआ मिला था, उस ओर फिर वापस जा रहे हैं हम। क्यों? वो आपको रीजन पता है, हाथी। वो आपने देखा पेड़ कितने कितने बड़े पेड़ से गिराड़ के, बाप रे, तभी तो मैं देख के चौंक गया था कि बड़ा हाथी आया हुआ है यहाँ पर। बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन थी, उसको भी हमने हैंडल करा। और जो अगर यहाँ नया आता है तो वो इस वीडियो को देखता है, तो आई होप कि इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। क्यों? क्योंकि बिल्कुल लाइव आपके सामने हुआ है, वो तो कहो उसका मुंह नहीं था ना, अभी वापसी हम गए तो और दिक्कत हो जाती, क्योंकि दोस्तों हम जिस टाइम पे थे, हमारी तरफ से चढ़ाई थी और हाथी की तरफ से ढाल, तो उसे स्पीड पकड़ने के देख लिया एलिफेंट, क्योंकि गाड़ी जो चलाता है उसका फोकस सामने होता है, इसलिए एकदम से भाई साहब मेरी तो हार्ट बीट आए धड़कन। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये पेड़ देख रहे हैं आप, ये जस्ट पेड़, ये वाला, ये वो क्या बस अबे बैंड पर, और क्या पता कि जंगल के अंदर गया, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि एकदम अंदर गया, हिरन थोड़ी जो भाग गया, एलिफेंट है भाई। तुमने देखा 45 मिनट रुके दोस्तों, हम 45 मिनट रुके फिर वापस जाके देखा हाथी नहीं गया था, तो मैं मान के चलता हूँ डेढ़ से दो घंटा वो वहीं रहेगा, उसके बाद थोड़ा या तो नदी की ओर से चला जाएगा या ऊपर यहीं वापस आएगा जहाँ हम अभी टहल रहे हैं, हो सकता है ना वो ऊपर भी आ सकता है। तो हम सिचुएशन को देखेंगे, जब तक कोई गाड़ी नहीं आ जाती तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। बच के आए भी हाथी से बच सकते हो, कुछ पता नहीं है क्योंकि पेड़ वाले रास्ता भी निकला नहीं है। ओ माय गॉड, वो कैसा था भाई साहब, अभी बैंड पे गए थे हम, अभी कितने बैंड आएंगे अभी आगे, हाँ वो चमका, एक तरफ बार्किंग डियर डरा रहा बार्क कर करके, ऊपर से एक तरफ एलिफेंट, वो तो भाई मोड़ पे है, वो नहीं आने वाले अभी दो घंटे तक, वो टाइम यार अगर हम पहला, अब कैसे मान लेंगे हम पहला हाथी निकला था, वो क्या पता और भी निकल चुके हो और रोड पर हो, क्या पता चढ़ाई पर जा रहे हो, वही तो। अब वो दोस्तों पेड़ आ चुका है, देखिए ऐसा लग रहा हाथी हो जैसे दूर से ही, देख लेना पड़ेगा, चेक करके जाएंगे। एक कॉरिडोर ये गया लेफ्ट हैंड साइड से, एक कॉरिडोर, क्योंकि सब जाते नदी में है, पानी का रास्ता है ना, हाँ, तो ऐसा लग रहा था ना शेडो उठ के आ रही है जब मैंने बोला तुम्हें, दोस्तों ऐसा हो जाता है कि कभी कभी दिखता भी नहीं है वो, और छोटे भाई को भी हुआ कि कहाँ है करके, लेकिन मैं देख रहा था बराबर, मेरी निगाह थी सामने, मेरा ध्यान वही था कि लेफ्ट साइड पे, हाँ क्योंकि मैं फ्लैश लाइट का यूज करके देख रहा था। तो दोस्तों हमने गाड़ी अपनी लगा दी थी यहाँ आबादी क्षेत्र में, देख सकते हैं आप, बट एक सिचुएशन ये आ गई कि अभी हम जैसी गाड़ी लगाई थी
ये देखिए नीचे गाड़ी जा रही है, यहाँ ऊपर बोहार कोट से नीचे जा रही थी गाड़ी, तो हमने सोचा उसको रोका जाए, तो वही करने जा रहे हैं अब। ये देखिए लाइट दिख रही है रेड कलर की लाइट आपको, वो गाड़ी गई है वहाँ नीचे पहुँच चुकी है, तो उसको हम रोकने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ ये ब्लर हो रहा था ना तभी बार बार, तो दोस्तों देखते हैं क्या हम उनको रोक पाते नहीं पाते। ये हमारे लिए एक प्रकार का चैलेंज हो गया, तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, बहुत तेज़ गया है वो बंदा गाड़ी लेकर, तो उसको वापस भेजने में ही बेनिफिट है, वरना वो परेशान हो जाएगा जंगल में अकेला बंदा हो तो परेशान। हाँ दोस्तों ये पहाड़ में एक खासियत है कि इसमें कभी अपना नहीं स्वार्थ नहीं देखता है, पहाड़ में इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो कि जो हम कर रहे हैं, हम भी पहाड़ में रह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दूसरे इंसान की हेल्प करना, तो वरना दिक्कत में आ जाएगा दूसरा इंसान और सडनली जाएगा, वो उसे पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है। पता होगा कि हाँ जंगल है, हाथी मिल सकता है, लेकिन उसे हम अलर्ट कर सकते हैं वो हमारे लिए एक चैलेंज है और ये टास्क हो चुका है, अभी उसके पीछा हम कर रहे हैं, अब देखते हैं कब उसे हम कैच कर पाते हैं। बहुत तेज गया है वो, तो हमें भी थोड़ा सा गाड़ी हल्की तेज भगाना पड़ रही है, अब देखते हैं कितनी जल्दी हम कैच कर पाएंगे। इसलिए गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप देख रहे हैं स्पीड को मत देखिए आप हमारी, क्योंकि यहाँ पे अभी वो नहीं है, सिचुएशन अलग है, पहाड़ पर हैं हम, बैंड है यहाँ, अभी देखते हैं। बहुत तेज़ गया यार वो, एक हाथ से लाइट बंद कर देता हूँ, डिस्टर्ब कर रही होगी ना। तो दोस्तों ये हो गया हमारे लिए एक प्रकार से चैलेंज, बार बार रेड लाइट दिख रही है, तो इसका मतलब बहुत तेज जा रहा है ना वो। सर सब कुछ काम हो, काम होगा, कितना भी काम हो, बैंड पे जब आती है तो क्या करेगा काम वो। एक तो बैंड है ना, सीधी रोड होती तो करते भी, सीधी रोड पे वो कौन तो छोड़ेगा, वो भी तो तेज चला रहा है, वही तो लफड़ा है, तेज चला पड़ा है दोस्तों। दोस्तों देखिए कितनी तेज भगाना पड़ रही गाड़ी, और वो बहुत तेज ले जा रहा है। सॉरी मेरा हाथ हिल रहा था क्योंकि बैंड है दोस्तों। देखते हैं हम उसे कैच कर पाएंगे नहीं पाएंगे, ये टास्क हो गया है हमारे लिए और बहुत ज़्यादा टफ टास्क लग रहा है, क्योंकि वो बंदा बहुत तेज जा रहा है यार, 60 की स्पीड चल रही है हमारी भाई, पता नहीं कि नहीं 60 हमारी नहीं उसकी चल रही है, मतलब है हमारी ही पहुंची थी, तो बैंड की वजह से कम हो गई है। दोस्तों बहुत ज्यादा तेज जा रहा है बंदा, पता नहीं स्पीड से वो सामने चला गया ना, तो फिर हम भी क्या कर सकते हैं, फिर अपना आप वापिस आएगा, सिचुएशन अपना आप संभालेगा, फिर और क्या है, क्यों नहीं कर सकते जब हमें पता है तो। अरे तो वो कैश तो आया कम, तभी तो मैं कह रहा था एकदम ऑन दे दो करके, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी दोस्तों हम किसी के घर के आगे रुके थे, सोचा था हम यहाँ रात बिता लें थोड़ी सी, अभी तो और कंडीशन वो हो गई कि दूसरे भाई को हमें बचाना है और बताना है, तो ऐसे में हम अपने ना तेल की सोचेंगे, ना टाइम की, ना नींद की, क्योंकि दूसरा बंदा रिस्क में आ सकता है, क्या पता वो अपनी फैमिली के साथ हो, मे बी फैमिली, क्योंकि फैमिली के साथ होगा और ऐसी सिचुएशन हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें बहुत तेज़ जाना पड़ रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। अरे वो तो बहुत तेज़ जा रहा है यार, दिख ही नहीं रहा, बैंड काफ़ी हुआ ना, वो तो मोड़ने में टाइम लगेगा। हाँ बैंड में बस ही है, क्या कर सकते हैं, देखते हैं सीधी रोड पे हम डिपर दे सकते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, बैंड पे अभी कुछ दिखता नहीं है। देखिए बैंड पर भी फिर भी बहुत तेज चला गया यार बंदा, वहाँ रिजॉर्ट वगैरह से आ रहा होगा कहीं से। दोस्तों देखते हैं हम, अगर सीधी रोड हो जाएगी ना तो डिपर का यूज करना पड़ेगा, डिपर से ही रुक पाएगा, डिपर से भी नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा,
भाई गोली गया वो तो नहीं है भाई। यार बहुत तेज गया बंदा वो। मेरे हिसाब से भी सही कह रहा, जिस स्पीड से गया है वो बहुत तेज गया यार वो। देखो ना दूर तक नहीं दिख रहा। अरे बात ये है ना यार बहुत बड़े हाथी है। डिपर दे जाड़ा येलो लाइट का डिपर। हुटर थोड़ा सा हॉर्न रोक ले प्लीज रोक ले हॉर्न। डिपर और दे डिपर दे और जल्दी डिपर दे रोक ले भाई प्लीज डिपर दे इसे और दे। एंड आ गया वहाँ समझ गया होगा। दोस्तों देखते हैं अब दिख तो गई है क्योंकि सीधी रोड थी ना दोस्तों। हमने बहुत ज़्यादा डिपर भी दिया। अब देखते हैं बंदा कब रुकता है। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। गाड़ी हल्की हो गई थी यहाँ पे ये गड्ढों की वजह से थोड़ी ना। देखो स्पीड वो देखो वो गया। अरे यार स्पीड ब्रेकर आ गया शिट। ओ माय गॉड ये भी भाई साहब अपने नाम में एक टास्क हो गया कि कैच करना है तो करना है उस बंदे को। यही तो लफड़ा है। अब आ गए हम जंगल में वापस। यहाँ कुछ दरवाजे में कुछ आगे ना है यार। स्पीड उसकी बहुत तेज जा रहा है यार वो भाई साहब। कितना तेज जा रहा है वो 60-70 की स्पीड में चल रहा है दोस्तों। जहाँ पर 10-20 की स्पीड में चला जाता है वही कह रहा हूँ मैं। तो कहते हैं रोड ज्यादा वैसी भी नहीं होनी चाहिए। सुबह वाली ट्रेन पकड़नी है क्या? पता नहीं यार इतना तेज जा रहा है। यार दे सकता ना जंगल में। ये तो पूरा वही पहुंचा के मानेगा क्या? बैंड वही वाला एक्सेल वाला बैंड है। अरे यार शिट मैन। दोस्तों देखते हैं क्या पता कैच हो जाए नहीं हो जाए। बहुत तेज जा रहा है यार वो। इजी नहीं छोड़ो तुम इजी छोड़ो कैच करेगा भाई तुम्हारा भाई। देखिए गाइस पहुंच चुके हैं हम उसे हम रुकेंगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके हैं। देखिए गाड़ी जा रही है आगे। अबे इजी ब्रेक लग रहा है ना वो ब्रेक भी मार सकता है ना सडनली। डिपर अब दे होंदे ब्रेक मारेगा। आगे हाथी हैं बहुत है। पार्ट कोर्ट से पीछा कर रहे हैं आपको बताने के लिए। पूरा झुंडे बांगा जाला में आगे। हम तो तभी तो गाड़ी बैक करके सोने के लिए चलेगा ऊपर। हाथी पूरा झुंडा टस्कर बहुत खतरनाक मतलब रुका था आपके चलने भी लोग क्या कर सकते है। फोन नंबर लेना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई लगता है। नेटवर्क है यहाँ बांगा जला साइड आता है नेटवर्क। हल्के लाल बत्ती देखनी है आपने। लाल बत्ती जलती है अलर्ट लाइट जो होती है वो देखनी है हमने जंगलों के बीच में। जल रही है लाइट है तो दोस्तों देखते हैं निकल गया उसके बाद आ रहे हैं। क्या सिचुएशन है चले तो गए यहाँ से। अरे यार कहाँ गए वो आ गए। तो दोस्तों देखिए गाड़ी उन्होंने हल्की कर ली है जो जैसे कि हम देखिए सामने लाइट दिख रही है आपको ये इसी जगह पे हाथी का एरिया। तो दोस्तों उन्होंने देख ली है कि हाथी हैं वहाँ तो हम यहाँ ही रुक लिए तो उनके पास नहीं जाएंगे खुद आएंगे। देखो तो हाथी रोकने मतलब सॉरी गाड़ी रोकने का मतलब ये देखिए सामने गाड़ी है रुकी हुई इसका मतलब हाथी अभी भी है। हमें पता था ना भाई टॉर्च मार दिया 2.5 से 3 घंटा
तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हमने बोला था, इसलिए ही हम उनके पीछे पीछे आए थे, लेकिन उन्होंने पूरा लेके हमें हाथी के पास तक ले आए वापस। कितना, 10 से 12 किलोमीटर वापस आए हैं दोबारा। 8 किलोमीटर तो हमने इनका पीछा करा है और वो गाड़ी बैंड काट कर आ रहे हैं क्योंकि वहां मोड़ पर हाथी है। तो अब पता नहीं उनको हमारी बात पे विश्वास था नहीं था। तो अब वेट करने के अलावा उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। देखिए, ये पहाड़ के लोग हैं दोस्तों, तो इसमें समझदारी आपने देखी कि मतलब जिगर कितना भी हो, देखिए रात में चल रहे हैं 2 बजे रात के, जिगर इतना है, लेकिन हाथी क्या गया, अच्छे अच्छों का जिगर फेल हो जाता है टाइगर तक का। अब देखते हैं दोस्तों वो सिचुएशन क्या बनाते हैं, क्योंकि वो हमसे ज्यादा एज में डबल है, मतलब लगभग मे बी 35 से 40 साल के होंगे। तो मैं उनके आने का वेट करता हूँ, तो वीडियो तब स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरे कैमरे में बैटरी रह गई है, एक सेल कम रह गया है। आ शिट मैन, भाई गट्स चाहिए इतने, क्या चाह रहे हैं? अच्छा, आग जला के भागेंगे। ऐसे रोड पे कोई वो नहीं, मतलब एकदम से होता क्या ना, वो जो बच्चों वाला होता ना, वो अपने बच्चों के बचाव के लिए वो करता है, जो वो एक घंटा हो गया उसको यहाँ पे खड़े खड़े। हाँ, बारह बजे से है वो, उनका क्या है ना, अगर वो खड़े हो गए, अब क्या होता, अभी जैसे थोड़े बहुत आग लगाते ना वहाँ पे, तो आग लगा के भाग जाते हैं, भाग जाते हैं आग लगा के, क्योंकि हम 2 चक्कर आ गए यहाँ पे। अच्छा, आप कहाँ से हैं? आप लोग रामनगर से ही हैं। तो दोस्तों ये देखिए सिचुएशन, देखिए धीरे धीरे, थोड़ा गैप रखना, थोड़ा गैप रखना दोस्तों, आग लगा लगा के देखिए प्रोसेस ये करा है। अब देखते हैं हाथी कहाँ तक आएगा। अबे लेफ्ट में है, पीछे कर ले तू, सीधे उल्टे हाथ पे है। किसमें? उल्टे ऊपर है, उल्टे हाथ पे ऊपर है, जल्दी कर बैक, सीधी चले गए, पीछे चल देता हूँ, काम करते हैं वो, भगा देंगे उन्हें बाद में, पीछे चल लेंगे लेफ्ट में। हाँ। तो दोस्तों हम आगे बढ़ चुके हैं, ये देखिए पेड़ों की तबाही, आराम से ऊपर गए वो, देखिए हाथी की लीड, ताजी लीड है दोस्तों, देखिए दोस्तों लेफ्ट में हमारे कैनी टूटने के बाद आ रही, दो है थे ये दिखाओ ना दोस्तों, लीड देखिए, ये देखिए दोस्तों, लीड देख रहे हैं कितनी सारी, मतलब 2 घंटे में इतनी गंदी स्मेल आ रही है, बंद क्या कहूंगा। दोस्तों देखिए, वो जो एक हाथी था ना, वो यहाँ टहल रहा था, यहाँ से देखिए दोस्तों, जो हमारे सामने, वो इधर जंगल में कहा था नहीं गया वो, ये देखिए ये थोड़ी टहनी, ये देखिए हम साइड है पीछे लगे, नहीं नहीं पता है तू यहाँ पर खड़ा था, जस्ट बगल में था, मैंने टॉर्च नहीं मारी, अगर मार देता हूँ यहीं आया था सीधे। दोस्तों गाड़ी जहाँ खड़ी करी थी, देखा मैंने कहा था ना कहीं घुस जाएंगे वो, तो दोस्तों जहाँ गाड़ी खड़ी थी हमारी, वही जस्ट में हाथी, ओए होए बाबरे, दो हाथी थे, कितना खौफ था इसका देखा। तो इसका सिंगल माचिस नहीं है, माचिस। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने बोला था, हमने इनकी मदद करी तो इन्होंने हमारी उल्टी मदद कर दी, कैसे काम आता है बस, क्योंकि ये बता रहे हैं रोज के हैं और इन्होंने हमारी हेल्प करी उल्टा, और आग से भागता है जानवर तो हमें भी पता है, लेकिन हमारी गट्स ही नहीं थे इतने कि मतलब गाड़ी से बाहर निकले और आग लगाए, हमारी हम दहशत में थे दोस्तों। हमने जितना एक्सपीरियंस, कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुत अच्छी जानकारी भी प्रैक्टिकल मिली है, और बिल्कुल ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं दी होगी, नहीं दी होगी, मे भी गारंटी के साथ नहीं दी है दोस्तों, वो भी रात के जंगल में सिचुएशन से निपटते हुए हमने आपको दिखाया है लाइव। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुत ज्यादा लाइक करें वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को ऐसे ही अद्भुत वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मेरे कैमरे की बैटरी समाप्त हो रही है, और अगर आगे कुछ होगा तो देखते हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई बात नहीं।